ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 टाटा नेक्सॉन एक्सजेड प्लस ईवी। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक अवतार। अगर आप इसको लेना चाहते थे तो अपने नियरेस्ट शोरूम्स में अब आपकी रेडली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तलाश कर रहे थे, बहुत अच्छी ऑफरिंग है ये टाटा की तरफ से। इस वीडियो में आपको इसका जितना भी इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, सारी डिटेल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी साइड्स में, शॉर्ट्स में, हमेशा की तरह। जो लोग चैनल से जुड़े हुए उनको ये बात पता होगी, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इधर अब चलते हैं पास में, इसका जो क्लोज़ व्यू है वो आपको दिखा देते हैं। इसका जो क्लोज़ प्रोफाइल है वो आप देख लीजिए। नई नेक्सॉन वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो फ्रंट फील है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। इधर आप अपना जो पूरा हेडलैम्प एरिया है वो आप चेकआउट कर सकते हो। जो भी इसके स्पेक्स होंगे वो सारे आपको साइड्स में, शॉर्ट्स में, फ्लोटिंग वे में दिख रहे होंगे। डिज़ाइन के बारे में आपको अपने थॉट्स बताने हैं कि आपको इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है, आपको ये अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं लगता है। इसके अलावा नीचे आप देखते हैं तो आपको जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी प्रोवाइड करे गए हैं, और आपको डुअल जो इंसर्ट है, डिज़ाइन इंसर्ट है, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। इधर आप देख सकते हैं अपना जो अंडरस्कर्ट है या जो आपकी स्किड प्लेट है वो आप चेकआउट कर सकते हो। इधर आप देखते हैं तो आपको पूरा जो पियानो ब्लैक फिनिश है, पियानो ब्लैक स्ट्रिप है, वो प्रोवाइड करी गई आपके ग्रिल एरिया में। टाटा की ब्रांडिंग आपको क्रोम पे मिलती है। ईवी की ब्रांडिंग भी आप इधर चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इधर आप देखते हैं तो अपनी जो आप क्रीजेज हैं, पैटर्न्स हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। वाइट वेरिएंट है, डुअल कॉम्बिनेशन आपको इसमें पेंट जॉब देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूँ और अपने जो थॉट्स हैं कि आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है वो भी आप बता देना। इसके अलावा आपको इधर आपके जो डुअल वाइपर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करे गए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, जो अधिकतर आप आजकल देख रहे हैं टाटा की गाड़ियों की क्वालिटी टॉप नॉच होती है। ये मेरे थॉट्स हैं, बाकी आप भी बता सकते हो। वैसे बहुत सारे लोग अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर चुके हैं। अगर आपको जो इलेक्ट्रिक गाड़ी का मेन दिल है या किसी भी गाड़ी का मेन हार्ट है वो आपको चेक करा देते हैं, तो इसको ओपन कर लेते हैं। टाटा की क्वालिटी आप जानते हैं, तो इस लिड की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, ये बोनट क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतना हैवी है ये, इसीलिए टाटा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सेफ़ मानी जाती हैं और रेटिंग्स हमेशा बहुत सही रहती हैं। अगर आप इनकैप की बात करो, इधर पूरा जो अपना आप कंपार्टमेंट है वो आप चेकआउट कर सकते हो। ईवी जिप्ट्रॉन की जो ब्रांडिंग है वो आप इधर देख सकते हो, बहुत अच्छे से पूरी ज़्यादा फिटमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं। सुपर क्वालिटी लग रही है जो फिटमेंट वाइज अगर आप बात करते हो। अभी आपकी गाड़ी मूव करने के लिए रेडी है, तो मैंने सोचा कि आपको चेक करा देते हैं। कोई आपको ऐसा साउंड नहीं आएगा जब आप, जैसे आप नॉर्मल इंजन की बात करते हो या किसी आप पेट्रोल या डीजल गाड़ी की बात करते हो, बिल्कुल साउंड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्वाइट वाला फीलिंग आपको आने वाला है। बस अपने आप पेडल पे अपना पैर रखो, अपना फुट रखो और आप आगे मूव कर सकते हो, बहुत अच्छा वाला फीलिंग आपको आएगा। अब इसको बंद कर देते हैं। इधर अपनी जो की है वो आप देख लीजिए, तो रिमोट कीज़ आपको प्रोवाइड करी गई हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये भी हैं, बहुत ही हैवी सी कीज़ मिलती हैं। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो मैं आपको चेक कराऊंगा। चलिए मैं इधर ही से आ जाता हूँ, ड्राइवर साइड से आपको इसका साइड प्रोफाइल चेक करा देता हूँ। इधर आप इसका जो वन फ्रेम व्यू है वो आप ले सकते हो। इसकी जो लेंथ है, विथ है, हाइट है, जितने भी रिलेटेड स्पेक्स हैं सब आपको साइड्स में, शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं पास में। इधर आप अपना जो व्हील एरिया है वो आप चेक कर लो। MRF के आपको इसमें व्हील्स प्रोवाइड करे जाते हैं। जो इसका साइज़ है वो है 215/60R16। इसके अलावा जो आपकी व्हील आर्च क्लैडिंग है वो आप चेकआउट कर सकते हो साइड बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर भी आपको जो क्लैडिंग इंसर्ट है वो देखने को मिल रहा है। ईवी की ब्रांडिंग देख सकते हैं और जो अपने पैटर्न्स हैं या जो क्रीजेज़ हैं वो भी आप इधर चेकआउट कर सकते हो। ORVM आपको मिलते हैं पियानो ब्लैक फिनिश पे, जो ना तो बॉडी से मैच करता है और ना इसकी रूफ से मैच करता है। पूरा ये ग्लॉसी पेंट जॉब बहुत ही उम्दा वाली फीलिंग देता है। इधर आपका इंडिकेटर इंसर्ट हो गया और आपका जो ए पिलर है इधर पूरी आपको ब्लैक्ड आउट फील प्रोवाइड करी गई है, ब्लैक्ड आउट फिनिश प्रोवाइड करी गई है। रूफ़ देख लीजिए अपनी, तो इधर आपको कुछ अलग सा कलर देखने को मिलेगा, ग्रे देखने को मिलेगा। आपकी जो रूफ रेल्स हैं ये आपको बॉडी में इंसर्टेड मिलती हैं, डुअल कॉम्बिनेशंस आपको इधर भी देखने को मिल रही हैं। नॉर्मल नेक्सॉन में आपने देखा है कि आपको जो साइड्स में इधर आपके जो इंसर्ट है ये वाइट पे दिया जाता है, सिरेमिक पे दिया जाता है, इधर ये पूरा ब्लू पे प्रोवाइड करा गया है। एक ईवी गाड़ी है तो एक अच्छा सा सिग्नल भी चला जाता है, ब्लू से मतलब एक बोल सकते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली कलर माना जाता है, या ग्रीन हो जाए या ब्लू हो जाए, तो वही आप इधर भी चेकआउट कर सकते हो। डोर हैंडल्स की बात कर लेते हैं तो ये आपको बॉडी कलर पे दिए गए हैं। इधर आपका हो गया कीलेस का जो पैच है। इसके अलावा आपको शायद इधर पूरा साइड प्रोफाइल तो अच्छे से दिख गया होगा, साइड प्रीव्यू आपको पूरा मिल गया होगा।
देखते जाइए, मैं आराम से पीछे आते जाता हूँ, पूरा कंप्लीट व्यू आपको देते जाता हूँ। आपका जो एंटीना है ये आपको शार्क फिन प्रोवाइड करा गया है और थोड़े से पैटर्न्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बैक की बात कर लेते हैं अब। बैक प्रोफाइल में पूरा कंप्लीट व्यू आपको देने की कोशिश करता हूँ। इधर आप देखते हैं आपका जो हाई स्टॉप लैंप है वो प्रोवाइड करा गया है, डिफॉगर है, आपका जो रियर वाइपर है। इसके अलावा टाटा की ब्रांडिंग आपको क्रोम पे दी गई है और आपका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है, पार्किंग सेंसर्स हैं, ये सब तो आपको वैसे भी सेफ्टी सिक्योरिटी के जितने फीचर्स होते हैं आपको टाटा से पूछना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको मिलते हैं। इसके अलावा इधर आप देख रहे हो आपका जो बोल सकते हैं कि टेल लैम्प्स हैं, ये इसका जो डिज़ाइन है ये आपको बताना है कि आपको कैसा लगता है, कॉम्बिनेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। इसके बाद जो आप एक्सटेंशंस देखते हो ना अपनी, पूरी जो ब्लू इंसर्ट है ये पीछे तक जाती है पूरी, और आपका ज़िप्ट्रॉन की जो ब्रांडिंग है वो आप इधर देख सकते हो, और ईवी की ब्रांडिंग भी आपको इधर प्रोवाइड करी गई है। नेक्सॉन की ब्रांडिंग वही कॉमन है, जैसे आपने नॉर्मल नेक्सॉन में देखी हुई है वैसे आपको इधर भी मिल रही है। इसके अलावा इधर आपका जो बूट है, इसका जो स्पेस है वो आपको चेक कराएंगे। इधर अपना जो रियर पार्सल ट्रे है वो चेक कर लो, कस्टमर कन्वीनियंस के लिए इंपॉर्टेंट फीचर। इसके अलावा अपना जो बूट स्पेस है, बहुत अच्छा सा बूट स्पेस इधर प्रोवाइड किया जाता है, काफ़ी सारी स्पेसेस इधर अवेलेबल हैं। बूट लैम्प भी दिया गया है, नाइट टाइम में आपको ईजनेस हो जाएगी। इसके अलावा जो आपके हुक्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसको बंद कर देते हैं, स्पेस का आपको आइडिया लग गया होगा। और इधर आप देख लीजिए इसका जो अदर साइड है उसका भी प्रीव्यू पूरा आप ले लो। साथ में इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। इधर अपना जो आप चार्जिंग है वो आप इधर से कर पाओगे, ये देख लीजिए आपको जो चार्जिंग आपको पूरा सिस्टम है वो प्रोवाइड करा गया। अब तो आप इनके शोरूम्स पे भी जो चार्जिंग सिस्टम्स हैं वो मिल जाएंगे, जो फास्ट चार्जिंग सिस्टम्स हैं आपके नीरे टाटा शोरूम में लग भी गए होंगे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पूरी गाड़ी आपको हर एंगल से अच्छे दिख जाए। थोड़ा सा इधर डार्क हो गया है तो मैं इधर आने की कोशिश करता हूँ, शायद थोड़ा सा अच्छी सी लाइट आपको मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि इधर से आपको थोड़ा सा अच्छा सा एक व्यू मिल गया होगा, थोड़ा सा लाइटेड व्यू आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। बाहर से काफ़ी बात हो गई, एक चीज़ और रह गई थी, ईवी की ब्रांडिंग आप इधर भी चेकआउट कर सकते हो। बाहर से जितना भी डिटेल था सारा चेक करा दिया आपको, जिसका हार्ट है, जिसका दिल है वो भी मैंने दिखा दिया आपको, चार्जिंग पॉइंट भी मैंने चेकआउट करा दिया है। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर, और इधर भी आप पहले देख लो, ईवी की ब्रांडिंग शायद मैं दिखाना भूल गया, इधर भी आपको प्रोवाइड करी गई है। डोर ओपन कर लेते हैं, और इसका जो पहले मैं बंद करना चाहूँगा इसका हैजार्ड लाइट, जिसमें कि बैटरी सेव हो, और इधर आप पूरा अपना डैशबोर्ड देख सकते हो। लगभग तीन कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी, वही ब्लू इंसर्ट्स आपको अंदर भी मिलते हैं, एक अच्छा सा एक अलग सा फील देने के लिए, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपको रियलाइजेशन कराने के लिए। क्योंकि जनरली जैसे मैंने आपको बोला ना, ब्लू एक क्लीन और उससे रिलेट किया जाता है, तो वैसे ही आप इधर भी देख सकते हो। कॉम्बिनेशंस आपको बताने कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, तीन कॉम्बिनेशंस, पियानो ब्लैक फिनिश भी आपको देखने को मिलती है, जो किसी भी गाड़ी को बहुत अच्छा सा लुक एंड फील दे देती है। डोर्स की बात कर लेते हैं, तो इधर भी आपको लगभग तीन कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे हैं। आपके डोर पॉकेट्स हो गए, इधर आपके जो पावर विंडो कंट्रोल है, आपका विंडो लॉक है, डोर खोलने के लिए हैंडल मिलता है क्रोम पे, इधर आपका ORV एडजस्टर्स हो गए, और इधर वही आपकी पियानो फिनिश प्रोवाइड करी गई है। सीट एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, तो आपको हाइट बैक दोनों मिलता है और मिलना भी चाहिए, आखिरकार ये एग्जिट प्लस मॉडल है। आपके हेडरेस्ट आपको मिलते हैं एडजस्टेबल, ये आप देख लीजिए। इसके बाद अब बाहर से ज़रूरत की जितनी बात थी वो हो गई है, सब कुछ मैंने शेयर कर दिया आपको। अगर आप बात करते हैं एक्सटीरियर की, थोड़ा सा आपको डैशबोर्ड भी साइड प्रोफाइल दे दिया है। अब चलेंगे दोस्तों गाड़ी के अंदर, अंदर बैठकर देखेंगे कि गाड़ी में बैठने में कैसा लगता है, अंदर कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, वो सब आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे कार्स और बाइक्स के। प्लेलिस्ट ऑप्शन ज़रूर विजिट करना, बहुत सारे ब्रांड्स की वहाँ पे प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, वो सब आप देख पाओगे, लेटेस्ट लॉन्चेस आप देख पाओगे। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर, अंदर बैठकर विस्तार में आपसे, डिटेल में आपसे बात करेंगे, तो लेट्स गो इनसाइड द कार। अब दोस्तों मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हो अपना XZ प्लस EV मॉडल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आगे का फ्यूचर है, और आगे बस अब यही चलने वाला है, तो इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग भी। कुछ ही सालों में शायद पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ गायब हो जाने वाली हैं, कमर्शियल का तो अभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पर्सनल व्हीकल्स में तो 99% है कि जो भी ये इन्वायरमेंट के बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं और जितना पोल्यूशन है उसको देखते हुए इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल आप इसका जो फ्रंटल प्रोफाइल है, जो डैशबोर्ड का, वो आप चेकआउट कर रहे हो। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, और इधर आप पूरा अपना जो डैशबोर्ड देख लो भाई, बहुत ही सारा ब्रॉड सा डैशबोर्ड, अच्छी सी स्पेसेस, रगेड स्पेसेस प्रोवाइड करी गई हैं। इसका लिए सेम डायलॉग, जैसे जाना वैसे यूज़ कर लेना।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल खुश कर देगा आपका पूरा। जो आपको ये डिजिटल डिस्प्ले दिया जाता है, कलर डिजिटल डिस्प्ले दिया जाता है, कलर्ड MID दिया जाता है, इसके साथ में आपका जो स्पीडोमीटर है वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना, अभी बैटरी परसेंटेज भी आपको दिखा रहा है, 60% बैटरी बची है। इसके बाद इसमें आपको जितनी भी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें आप जानना चाहते हो अपनी गाड़ी के बारे में, जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको इधर मिलेंगी। आपको ये कैसा लग रहा है, जो बटरफ्लाई इफेक्ट दिया गया है, आप बता देना, अपने जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस कर देना। होस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप इधर से एक्सेस कर पाओगे। मुझे ये डिस्प्ले बहुत अच्छा लगता है, इसका जो कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करे गए हैं, शायद वीडियो में आपको उतना ना अच्छा लगे या समझ में ना आए। वैसे उम्मीद तो पूरी रहती है कि आपको अच्छे से पूरा आइडिया लग जाए, लेकिन फिर भी आप शोरूम जाओगे अगर आप EV मॉडल लेना चाहते हो तो आपको अच्छे से व्यू वहाँ पर मिल जाएगा। कलर्स बहुत अच्छे इस्तेमाल करे गए हैं। इधर आप अपने जो टॉगल्स हैं वो देख लो, वाइपर का टॉगल है, इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है। पीछे आ जाते हैं, अपनी जो स्टेयरिंग है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लगभग तो आपको दो ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलती हैं, बीच में आपको जो टाटा की ब्रांडिंग है वो आपको क्रोम पे दी गई है। सेवरल आपके कंट्रोल्स हो गए। स्टेयरिंग आपको कैसी लग रही है बता देना, स्टिच फिनिश भी इधर प्रोवाइड करी जाती है। AC विंस चेक करा देते हैं, अगर आप ड्राइवर साइड की बात करते हो तो इधर भी वही आपका ब्लू इंसर्ट, पियानो ब्लैक फिनिश, बहुत ही अच्छा सा मटेरियल, वेल डिज़ाइंड पूरा आपका जो इंटीरियर है, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। इधर आप देखते हैं अपना सेंटर कंसोल, ये आप देखते हो अपना सिस्टम, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दो फीचर्स एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखते हैं पूरा आपको पियानो ब्लैक फिनिश, स्टैंड आउट यूनिट पूरा प्रोवाइड किया जाता है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा सा फील दे रहा है और पहले भी लोगों को काफ़ी पसंद ये आया है। पार्क असिस्ट है, वो खोल के दिखा देते हैं, ये आपका पार्क असिस्ट है, ये अपना जो कैमरा है उसका व्यू भी आप ले सकते हो, इसको बंद कर देते हैं। और इधर आपकी जो होम है, पहले आपको ऑप्शंस बता देते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, USB, फ़ोन सेटअप, BT ऑडियो, इधर आपका ऑडियो सेटअप, कॉन्ट्रैक्ट्स, फेवरेट्स, आईपॉड, फ़ोन थीम्स, इसका जो टच है उसका भी आपको आइडिया लग रहा होगा, वॉइस कमांड और व्हाट 3 वर्ड्स। सेटिंग्स में आप देख रहे हैं अपना म्यूट है, जेन प्लस है, सेटिंग्स में मेजर ऑप्शंस में चले जाते हैं, व्हीकल सेटअप, ऑडियो सेटअप, फ़ोन सेटअप, वॉल्यूम सेटअप, सिस्टम सेटअप, थीम्स, इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ। बाकी जो भी आपसे रिलेट करते होंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में भी देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, फॉरवर्ड वगैरह मत करिएगा। इसके अलावा आपको अगर इसका साउंड सुनना है ना, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक लगा दिया है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आपको इसका जो साउंड है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है एक सिस्टम के लिए वो आपको मिल जाएगा। लिंक चेक कर लेना, मीडिया सिस्टम साउंड चेक नाम से आपको मिलेगा और उस पर क्लिक करके आप इसका जो साउंड है वो आप सुन पाओगे। और बाकी जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो है @ज्ञानी, मतलब कि जो ID है वो @ज्ञानी ना, फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके साउंड का, तो वो आप जरूर चेक कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में। नीचे आ जाते हैं तो आपका जो सेवरल बटन्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करी गई हैं आपके सिस्टम के लिए, टच तो है ही लेकिन कुछ बटन्स भी दे दी गई हैं अगर आप इससे यूज़ करना चाहते हो। दो रोटरी नॉब मिलती हैं, हैजार्ड लाइट का बटन आप इधर देखते हो, AC विंस आपको पूरा एक ही पैनलिंग में प्रोवाइड करे जाते हैं, ये काफ़ी ब्रॉड से भी दिए गए और बीच में आपको क्रोम इंसर्ट मिलता है। और नीचे आ जाते हैं तो इधर आपका जो AC कंट्रोल एरिया है वो आप देखते हो, ऑटोमेटिक AC आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है, अच्छी बात है ये। इसके अलावा आपका जो डोर लॉक अनलॉक है, बूट ओपनर है, फॉग लैंप एक्सेस है, आप इधर से कर पाओगे, फॉग लैंप स्विच है वो आपको दिया गया है। ब्यूटिफिकेशन के लिए आपको क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं, वैसे भी आजकल टाटा की गाड़ियां कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं, ये मैं यहाँ बैठकर और इतनी सारी गाड़ियां रिव्यू करने के बाद आपसे बोल सकता हूँ। बहुत अच्छा सा मटेरियल, बहुत अच्छी डिज़ाइन प्रोवाइड करी जाती है, होप सो आप भी ऐसा फील करते होंगे। 12 वोल्ट का सॉकेट और USB आपको प्रोवाइड करी गई है। इधर आपकी कन्वीनियंस स्पेसेस हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए वो आप इधर देख रहे हैं, आपका जो नॉब दिया गया है। अब आप देख रहे हैं अभी आपकी ये न्यूट्रल में है, ये आपका ड्राइव हो गया, ये रिवर्स हो गया, ये आपका स्पोर्ट मोड हो गया, जिसमें भी आपको मतलब ड्राइव करनी है फिर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो अपना स्पोर्ट मोड में लगा लो, और जो भी आप करोगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाएगा। ये आप देखिए ड्राइव, ये आपका स्पोर्ट मोड में रेड हो जाएगा पूरा ये, और इसके बाद वापस चले जाते हैं, मतलब जिसमें भी जाना आपको रिवर्स आपका ऑन हो जाएगा। इसको अभी फिर से हम लोग न्यूट्रल में कर देते हैं। अब इसके बाद आपका हैंड ब्रेक है, ये आपको दिया गया है क्रोम बटन के साथ। इसके बाद इधर आप देखते हैं तो आपको पूरा ये शटर दिया गया, अंदर स्पेसेस मिलती हैं डीप सी, और आपका जो आर्मरेस्ट है ये ओपन कर लो, इधर पूरी स्पेस आपकी ओपन हो जाएगी, इसको बंद कर लो, बहुत ही स्विफ्ट पूरी ये क्लोजिंग दी गई है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये आपका स्टिच फिनिश आपको प्रोवाइड की जाती है, अपना आर्मरेस्ट पूरा व्यू आप ले सकते हो। इधर आप देख रहे हैं अपना जो ग्लव बॉक्स है, केवल इसका आप साइज़ देख लो, कितनी सारी स्पेस इधर है, कितना ज़्यादा स्पेस इधर दिया गया है, कितना सामान इसमें आने वाला खुद इमेजिन कर लो। दो कंपार्टमेंट दी गई हैं और आपका जो कूलिंग वेंट है वो भी प्रोवाइड करा गया है, ये आप देख सकते हो, लाइटेड भी दिया गया है, बंद कर देते हैं।
इधर आपका जो वैनिटी है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है और ड्राइवर साइड आपको वैनिटी नहीं मिलता है। ये निकल गया, इसको लगा देते हैं, इसको लगा देते हैं, चलिए छोड़ देते हैं, लग गया है। इसके बाद इधर आपकी स्पेसेस हो गई, आपको केबिन लैंप काफ़ी ये ब्रॉड सा बड़ा सा दिया गया है, लाइट काफ़ी अच्छी सी मिलेगी आपको। अब दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा फ्रंट डैशबोर्ड, पूरा ड्राइवर को ड्राइवर सब कुछ कवर कर दिया है। अभी तक आपको सबसे अच्छा क्या लगा है गाड़ी में वो आपको बताना है। अब चलेंगे गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, वहाँ बैठकर आपसे बात करेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है, पीछे कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार। इधर दोस्तों आप देख रहे हैं अपनी सेकेंड रो ऑफ सीट्स। सबसे पहले हेडरेस्ट आपके ये आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, आपका जो आर्म रेस्ट है वो भी प्रोवाइड करा गया है और आपके जो कप होल्डर्स हैं वो भी मिलते हैं। प्लास्टिक चढ़ा हुआ तो मैं पूरा नीचे मूव नहीं करूँगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है वो आपको उससे मतलब होना चाहिए, वो आपको मिल गया है। सीट्स अपनी पूरी व्यू आप ले सकते हो। इसके बाद अपना जो रियर डोर है वो आप देख लीजिए, तो लगभग वही तीन कॉम्बिनेशन आपको इधर भी देखने को मिलती हैं। आपके डोर पॉकेट्स हो गए, पाम विंडो कंट्रोल हो गया, डॉटेड फिनिश पूरी वही जैसे आपने आगे देखी थी वही आपको इधर भी प्रोवाइड करी जाती है, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक्सपीरियंस दे देगी। बाहर से ज़रूरत की बात हो गई है, चलते हैं अब गाड़ी के अंदर, अंदर बैठकर देख लेते हैं। आहा, क्या बात है, मज़ा आ जाता है इधर बैठ के, ऐसा लगता है किसी सोफे पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। बहुत सॉफ्ट सीट्स और बहुत बढ़िया सी कुशनिंग मिलती है। स्पेस आप इधर देख सकते हो, आगे की स्पेस देख लो फिर आपको खुद आइडिया लग जाएगा। 6 फीट मेरी हाइट है, अभी इतनी इतनी स्पेस आगे खाली है, हेडरूम मस्त वाला मिलता है, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है इस गाड़ी में बैठ के। स्पेशली इसका जो कुशन है ना वो बहुत अच्छा लगता है। थाई सपोर्ट चेक कर लो। इधर आपको जो रियर एसी वेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करे गए हैं, जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इंडिया में और ये मैं तो हर कंपनी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि यार ये तो हर चीज़, ये चीज़ सब गाड़ियों में मिलनी चाहिए, चाहे बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो। बाकी आप अपने जो रिलेवेंट थॉट्स हैं वो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। इसके बाद आपके जो सेफ्टी हैंडल्स हैं तीनों डोर्स पे दिए गए हैं, ड्राइवर साइड की ज़रूरत होती नहीं है। अब बेसिक चीज़ें इधर कवर हो गई मेरे हिसाब से। अब आ जाते हैं सेंटर में और इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको चेक करा देते हैं। हमेशा मैं वन फ्रेम व्यू आपको दे देता हूँ जब मैं पीछे आता हूँ, यहाँ से बहुत अच्छा सा आपको आइडिया लग जाता है। क्या आप भी नेक्सन ईवी लेने के बारे में प्लान कर रहे थे, अपने जो थॉट्स हैं वो बता देना। आपको इसमें कुछ अगर अलग से कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर देना। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं साइड्स में, शॉर्ट्स में, डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक भी लगा हुआ है, इनकेस आपको लगता है कुछ मिस है तो आप जाके विजिट कर लेना। वहाँ पे आपको रिलेवेंट जो आपको लगता है कि मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई, वैसे ऐसा होगा नहीं, वो आप वहाँ पे ले सकते हो। बाकी आपको अपनी गाड़ी बुक करनी है करंट टाइम्स को देखते हुए, वो भी आप कर पाओगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करिए, आईडी है @ज्ञानीइनफ। बहुत सारी आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑटोमोबाइल वर्ल्ड से मिल जाएगी। अब मैं दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ, अपना सपोर्ट ऐसे बना के रखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।